सवा सिर गेहूं तो मैं इससे मैसूद और प्याज के वसूल लू, विप्र किसी पर रहम नहीं करता। और हाँ अंग्रेज बाबू, शंकर मेरे से सवा सिर गेहूं नहीं ले गया है, अपनी आने वाली 7 पुश्तों को गिरवी रख गया है। अरे जाइए ना भैया, काम के लिए बुला रहे हैं। तो ये भी तो काम ही है। अच्छा बोलू भैया को? भैया, जिस देश में हमने लिया है जन्म, शान में उसकी जाए भी जा, शान में उसकी जाए भी जा। जी राम कसम चंपा रानी, अरे राम जी की कृपा से आज हम दोनों अकेले हैं। आजा मेरे पास आ जा रे। हमको मालूम है कि हमसे बहुत बड़े भूल हुई। अब आपको शंकर का कर्जा माफ कर देना चाहिए, वो बेचारा इतना रुपया पहले ही दे चुका है, बचा कुचा भी दे देगा। अब क्या सवा सेर गेहूं के लिए उसकी जान लेकर उसको कर्जे से मुक्ति देंगे क्या? ए भौजी, इतना प्यार से खाना लाई हो, कम से कम शांति से खाने तो दो। पर देवर जी, कल सबसे पहले पकवान भी आप ही मांगेंगे। सुना है शंकर, तुम आजकल दूसरों के यहाँ मजदूरी कर रहे हो। अरे इतना पैसा हमारा देना है और दूसरों के यहाँ मजदूरी करोगे? नहीं नहीं, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब से तुम हमारी जिंदगी में आई हो, हमारी जिंदगी एकदम रंगीन हो गई है। मैं प्रीत में तुम्हारे ऐसी रंगी, मुहे और कोई रंग न भावे। मुनीम जी, अगर मैं शंकर को माफ कर दूंगा ना, तो गांव का एक एक आदमी आएगा मेरे पास अपना कर्जा माफ कराने के लिए। सब लोग मुक्ति मांगेंगे, और अगर मैंने सबको मुक्त कर दिया तो मेरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। आज हमको लगे दुनिया निराले, आज हमको लगे दुनिया निराले, आज हमको लगे दुनिया सराबे। तुम सही कहा तो हम किसानन के नसीब में सुख नहीं। हम दादा के बोल दे कि हमारा हिस्सा हमको दे, बंटवारा करे और जितना मन उतना गाना सुनते रहे। हमरे सैया बड़े बेईमान रे, हाय हमरे बलमा बड़े बेईमान रे। मुनीम जी। जी सरकार। शंकर का हिसाब निकाल। निकालता हूँ सरकार। 5.5 मन गेहूं का बाजार भाव 60 रुपया और 25% ब्याज मिला करके रुपया हुआ 75। काहे हम गरीब का सतावत हो मालिक, हम 5.5 मन गेहूँ कहाँ से दे पाएंगे? आप शहरों में भी ये लोग हमारा विरोध कर रहे हैं। क्या है मुनीम जी? शंकर दादा के लिए एक बार नहीं 10 बार भी अंगूठा लगाना पड़ेगा तो मैं तैयार हूँ। वो आज से हमारी कैद में है। गए मेरे ही अपने, ऐसा दिन ये आया, क्या क्या रहा है बहुत हो गया मालिक, क्या क्या रहा है दे। ये सब भागिए अपनी अमा और हमको मुक्ति दीजिए सरकार।